चलो निकलो। और नहीं गया तो? जाना तो तुम्हें पड़ेगा हीरो, किसी और की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती नहीं रुक सकते तुम, ट्रेसपासिंग का केस लग जाएगा। हीरो जहाँ खड़ा होता है वो जगह उसकी हो जाती है। इंस्पेक्टर, इस बदतमीज लड़के को यहाँ से ले जाओ, वरना। वरना क्या? सामने कौन खड़ा है दिख रहा है ना? और तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम किसके सामने लड़ रहे हो? आई डोंट केयर। यू हैव टू। तुम्हारी ये जो जबरदस्ती है ये मेरे सामने नहीं चलेगी। निकलो यहाँ से। मुझे यहाँ से निकालना है तो अरेस्ट करना पड़ेगा। As you wish. Achi. I'm really sorry. So guys, as you can see, एक आर्ग्यूमेंट, इनफैक्ट एक छोटे से आर्ग्यूमेंट के चक्कर में हमारे भाई और आपके हीरो को अरेस्ट किया गया है। इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट को हमारे भाई को रिलीज करना ही पड़े। हमें तो यकीन ही नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हो गया। वीर की नजरों में मैं तुम्हारा बाप था, फिर भी उसने मेरे खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दिया। अति तम। ये मानव जाति होती ही ऐसी है गुरुदेव, इनके सामने जितना कमजोर पड़ो वो उतना ही अपने आप को महान दिखाने के लिए आपके करीब आती है। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही निशाने पर बैठी है। रिलीज करो प्लीज। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरा जमीर इसे रिलीज करने की इजाजत नहीं देता। बट सर, इफ इट इज योर ऑर्डर देन। बोलो। What a shame. खुद हीरो बनने का दिखावा करने के लिए हीरो को ही अंदर डाल दिया। खामखा मेरी रात खराब कर दी। Look who's talking. जिसकी खुद की जिंदगी एक दिखावा है। Oh really? Yes. तुम एक बहुत ही arrogant, बदतमीज और selfish किस्म के इंसान। कहना गलत होगा, पर अपनी क्या तारीफ करूं? माइथोलॉजी की कोई भी किताब उठाकर पढ़ लो, भगवान ने हमेशा बुराई को हराया है। मैं भी वही करता हूँ। बाकी अपने अपने ओपिनियन है। अगर इतना ही घमंड है अपनी सुपर पावर्स पर, अभी तक प्रोफेसर क्यों नहीं पकड़ पाए? तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैं अभी भी तुमसे एक कदम आगे ही हूँ, और तुमसे पहले प्रोफेसर को सी फॉर कैप्चर मैं ही करूंगा। Beautiful, just amazing. इंसानियत को खत्म करने का क्या खूबसूरत इंतजाम किया है मैंने। और कमाल की बात यह है कि डेस्टोनियम इतना पुराना पदार्थ है कि शायद ही कोई इसके बारे में जानता हो। यक्षिका, तुम्हें वीर की जिंदगी में इस तरह से प्रवेश करना है कि तुम्हारे बिना एक पल न गुजरे उसका, तभी तुम जान पाओगी कि हलाहल उस पर हावी क्यों नहीं हो पा रहा है। और तब तक मैं मौत के दरवाजे में होकर आता हूं, वहां कुछ खास लोग हैं। बच्चे सुन, तूने प्रोफेसर के बारे में जो भी ढूंढने को कहा था ना, उसका पता चल गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कवच इस तरह से काम करेगा। अच्छाई की शक्ति ने उसे इतनी ताकत दे दी है कि आज तक किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे पार कर सके। हमें भी
उसे पार करने के लिए नाश पदार्थ की जरूरत पड़ेगी और वो इस युग में क्या कहलाता है हम नहीं जानते। डिस्ट्रोनियम, आज की दुनिया में उसे डिस्ट्रोनियम कहते हैं। और ये डिस्ट्रोनियम ही है असुरी दुनिया का नाश पदार्थ जो मुझे मौत के दरवाजे के अंदर लेकर जाएगा। इतना आसान नहीं होगा, फिर भी नाश पदार्थ हमें ढूंढना है क्योंकि मौत के दरवाजे तक पहुंचने का वो एक ही रास्ता है। और एक बार हमें वो नाश पदार्थ हासिल हुआ तो हमें हमारे महान मकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। रियल लाइफ सिचुएशन, वॉच मी। बहुत जल्दी में हूं, पता नहीं है क्या कि जल्दी का काम विलेंस का होता है। अरे पर मैंने किया क्या है? अभी चोर पुलिस की गेम को स्किप करते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। बता तेरा प्रोफेसर के साथ क्या कनेक्शन है? अरे कौन प्रोफेसर, मेरा एक हेडमास्टर था वागले, इसके अलावा किसी प्रोफेसर टीचर से मतलब नहीं है मेरा। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, सब सच बता दे। सॉरी, गलती हो गई मुझसे, ये सब पैसे के लिए किया मैंने, प्लीज छोड़ दे मुझे। अब की ना तुमने राजा बेटा वाली बात, तो मैं जाऊं? अरे अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैडम कोई फायदा नहीं, स्केच बनाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, फुटेज में कहीं भी प्रोफेसर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे प्रोफेसर को आइडेंटिफाई करने का। ये तो हाँ, बहुत जल्दी पहचान गए आप मिस लॉ एंड ऑर्डर, आप तो बिजली से भी ज्यादा तेज है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिविलियंस का आना अलाउड नहीं है। ये सिविलियन नहीं, एविडेंस। ओ ये मेरी टीममेट है, मेरी पार्टनर, आज हम साथ में काम करेंगे, एनी प्रॉब्लम? टीम, गेम का मजा तभी तो है जब दो टीम हो। कल तो ये तुम्हारे पापा के साथ लड़ रहा था, तो फिर आज तुम इसके साथ कैसे? वो उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, ये बस मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे। हाँ तो मेरे काबिल दोस्त, सीधा सीधा मैडम को बता दो कि हमें कुछ मदद करो, प्रोफेसर को डिस्ट्रोनियम क्यों चाहिए? अपुन सच बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो प्रोफेसर एक नंबर का येड़ा आदमी है, अगर इतने पैसे नहीं देता तो मैं इस लफड़े में पड़ता ही नहीं, दिमाग का फ्यूज उड़ेला है उसका, कहता है दुनिया खत्म करने का। और क्या कहता है? और हाँ, बार बार अपनी बीवी का नाम याद करता रहता था, क्या नाम था उसका, कविता, उससे उसको मिलने का था, उसका नाम लेकर चिल्लाता रहता था पूरा टाइम। कविता, कविता कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, हमारा कल बहुत खूबसूरत है और वहां सिर्फ तुम और मैं हूं, और चाहे इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़े मंजूर है। लॉक अप में बंद करो इसको। विलेन वो है जो विलेन लगे, पर ये तो किसी ब्रांडेड विलेन की सस्ती सी कॉपी लग रहा है। परफेक्ट,
थैंक यू बोलने की आदत डाल, क्योंकि हीरो तुम पर ऐसी मेहरबानियां बहुत करने वाला है। जादू है तुम्हारे हाथों में। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता है मुझ पर कॉमिक बुक लिख रही है, क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो, और बिग डील फॉर मी, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। इसलिए अब ये मुझ पर रिसर्च करने के लिए मेरे साथ 24/7 रहेगी। मैं ये सब बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें थोड़ा ना कोई ऑब्जेक्शन होगा। अगर तुम्हारा ये कार्टून नेटवर्क बंद हो गया हो तो यहाँ से जाने का क्या लोगे? ऐसे बोलोगी तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। हमें भी नाश पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मौत के दरवाजे तक पहुंचने का वो एक ही रास्ता है, और एक बार हमें वो नाश पदार्थ हासिल हुआ तो हमें हमारे महान मकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तो ये डेस्ट्रोनियम ही है नाश पदार्थ। वैसे तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारे हाथ से निकल गया, सो टेक्निकली ईगो तुम्हारी हर्ट होनी चाहिए। तुमने कुछ सुना क्या? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि इसकी बातें मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। चले यक्षिका, लेट्स लीव। हम लोग ना डिस्ट्रोनियम का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ओह रियली? हाँ यार, ये मिनरल है ना, इसकी मैग्नेटिक पावर बहुत बहुत सॉलिड है। ये मेरे ट्रैकिंग डिवाइस के रेडार में आ जाना चाहिए। मैं वही कर रहा हूं एज वी स्पीक। कुछ तो लोचा है यार। यक्षिका, पहली सीढ़ी तो पार कर ली तुमने, परंतु हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। नाश पदार्थ तक पहुंचने का एक यही रास्ता है हमारे पास। हम शुक्राचार्य हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य। इन तुच्छ मानवों के बीच इनके जैसा तुच्छ बन के नहीं रह सकते हम। खून खौलता है हमारा इन्हें हर पल देखकर। बस कुछ ही दिनों की बात है गुरुदेव। देखो इन इंसानों को, इनकी मूर्खता का प्रमाण ये खुद हैं। ये तो लायक ही नहीं है इस ग्रह पर रहने के लिए। व्यर्थ है इनका जीवन, और इन्हें इनका फल जल्द ही मिल जाएगा। यक्षिका, हमें वो मौत का द्वार जल्द ही खोलना होगा, क्योंकि मेरा अनुमान है वो प्रोफेसर ग्रहण का इंतजार कर रहा है द्वार के उस पार जाने के लिए, दूसरे आयाम से मिलने के लिए। पर वो एक इंसान होकर ऐसा क्यों कर रहा है? या तो वो बहुत बहादुर है, या बिल्कुल जड़ बुद्धि। बस मुझे हीरो के साथ थोड़ा और वक्त बिताना है, उसके बाद उसके सारे राज आपके सामने लाकर रख दूंगी मैं। यदि तुम ये कर पाई तो यक्ष लोक को गर्व होगा तुम पर। मीठी भैया, मीठी, मीठी क्या हुआ? मीठी इधर देखो, इतना रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? भैया मुझे बचा लो प्लीज। भैया मेरे पे ना किसी ने अटैक किया। अटैक किया? किसने अटैक किया?
क्या हुआ बताओ मुझे। भैया मैं ना मूज लेने आई थी अक्षय घर पे और पता नहीं समझ आई टू किल मी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ज्यादा दर्द हो रहा है सर। तुमने अंदर कुछ नहीं देखा, डॉक्टर आयुष और यक्षिका के बारे में कुछ नहीं जानती। वीर और बाहर सबसे जाके यही कहोगी कि तुम पर किसी ने अटैक किया है। मुझ पर किसी ने अटैक किया है? डोंट वरी, ओके? डरो मत। इसे फर्स्ट एड की जरूरत है। अंदर मुझे याद करके बता कि तूने उस आदमी को देखा है। प्रेम, he's the one. आप मुझे नहीं उन्हें दीजिए। अरे भैया एकदम सही वक्त पर आए हो, गले में सुबह से खराश हो रही थी। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया। तो पता होगा नहीं पर मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर कहाँ है। Excuse me? Not excuse. जितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, अगर उसका आधा काम भी किया होता तो आज मेरा यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता। मैं अपनी बहन की सिक्योरिटी हैंडल कर लूंगा, पर क्या तुम्हें आइडिया भी है कि हम कितने खतरनाक क्रिमिनल के साथ डील कर रहे हैं? वो प्रोफेसर, उसने सीएम को होस्टेज बनाया, एक बच्ची के ऊपर बॉम्ब फिट किया, इस बार तो उसने हद पार कर दी। मेरे ही शहर में, मेरे ही पड़ोस में घुसकर उसने मेरी बहन पर अटैक किया। इट्स नॉट कूल, और उसको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, कोई है? मुझे आप बांध क्यों रखा है? सामने आओ। लेकिन प्रोफेसर के बारे में कुछ डिटेल्स मिली है जो आई थिंक यू शुड नो। कविता वोरा, शी इज डेड नाउ। बहुत ही कमाल की साइंटिस्ट थी एंड काफी इन्वेंशंस भी की थी इन्होंने, एंड शी वाज डैम गुड। लेकिन एक रिसर्च के दौरान इन्हें एक बहुत ही रेयर और डेंजरस मीटियोराइट भी मिला था, लेकिन गवर्नमेंट को देने की जगह इन्होंने अपने पास रख लिया। कुछ साल पहले पकड़ी भी गई थी, लेकिन पुलिस को इन्होंने मीटियोराइट के बारे में कुछ नहीं बताया। सबसे मेन बात, इन्हें हमारे समाज के लोगों से भी काफी प्रॉब्लम्स थी, और ये पब्लिकली भी ये कह चुकी हैं दैट दिस एंटायर ह्यूमन रेस नीड्स टू एंड। इनफैक्ट यही नहीं, ये ओपनली धमकी भी दे चुकी हैं कि इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगी, क्योंकि ये अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहती थी, सबसे अलग। Nonsense this is. Yeah, I know. सुना है कि मेंटली भी बहुत अनस्टेबल थी, इसलिए इंटरोगेशन से पहले इन्होंने जेल में ही सुसाइड कर लिया, और इनकी मौत के बाद इनके हस्बैंड यानी कि द प्रोफेसर, उसे भी इंटरोगेट किया गया था, बट ही डिनाइड हैविंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस। पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, एज ही वाज क्लीन, तो तब से ये केस बंद पड़ा। वो प्रोफेसर कहता है ये दुनिया खत्म करने का है, बार बार अपनी बीवी का नाम याद करता रहता था, उससे उसको मिलने का था। क्या नाम था उसका? कविता। तभी मैंने जब उस आदमी को पकड़ा था, वो प्रोफेसर के बारे में बता रहा था कि प्रोफेसर बार बार अपनी वाइफ कविता का नाम ले रहा था, और ये भी कह रहा था कि वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो डिस्ट्रोनियम का यूज कैसे करने वाला है और कब।
जैसे भी करे, इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस। यहां तुम्हें नाश पदार्थ मिलेगा या उससे जुड़ा हुआ कोई सुराग। ये नक्शा तुम्हें उसकी ऊर्जा के जरिए रास्ता दिखाएगा। जाओ यक्षिका, हमारे पास समय नहीं है। ग्रहण की रात से पहले वो नाश पदार्थ हमारे कब्जे में होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, काम हो जाएगा। से कोई फाइल निकाली थी क्या? नहीं, बहुत टाइम से बंद पड़े। क्यों? हमसे पहले कोई बिल्ला आकर यहाँ पर चूहों को मार चुका है। मतलब? तुम्हें स्मेल तो नहीं आ रही किसी के परफ्यूम की? चेक दिस, चेक करो इसमें कोई टैंपरिंग हुई है क्या। You're right. Tampering हुई है। Record missing है इसमें से। Told you कि तुम हीरो के बिना कुछ नहीं कर सकती। Miss Law and Order. के साथ रेस नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वक्त हमेशा एक कदम आगे रहता है और हीरो भी। अनफॉर्चुनेटली तेरा वक्त और तेरी किस्मत दोनों ही खराब है। यू फेक कचरे वाले चाचा। मेरे शहर में दहशत फैलाएगा, इनोसेंट लोगों को परेशान करेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? हीरो, हीरो स्टॉप। वो मर जाएगा। अगर वो मर गया तो हम डिस्टोनियम तक कैसे पहुंचेंगे? What are you doing? Relax. No. मैं कराती हूँ तुझे सैनिटाइज। By the way, if I'm not mistaken, पंटू हीरो की वजह से मरने वाला पहला इंसान तो नहीं होगा ना? और भी लोग मरे हैं। Of course, तुम तो जानती होगी। क्या नाम था उसका? हाँ, अर्जुन नाम था ना उसका। तुझे am I right? और am I right?
तुझे अर्जुन के बारे में कैसे पता? मैडम इसी पे मैं अपना होमवर्क बहुत सीरियसली लेता हूँ. It's just not genius, but hard work also. But बहुत दुख की बात है. हीरो की एक छोटी सी लापरवाही और तुम्हारा सबसे करीबी इंसान gone, just like that. I warn you, professor. खोल देती तो टेट पे लेकर जाता, लेकिन टैटू खिलाओ ना प्लीज. पिल्स चाहिए ना तुझे? ये ले पिल्स. प्रोफेसर को बांध कर रखना किसी के बस की बात नहीं. प्रोफेसर कहाँ है? भाग गया. तुम दोनों के अंताक्षरी खेल रहे थे आपस में जो तुम्हारी नाक के नीचे से प्रोफेसर भाग गया. इतना कन्वीनियंट कब से हो गया पुलिस स्टेशन के अंदर बाहर जाना? और फिर कहते हो कि पुलिस डिपार्टमेंट को हीरो की जरूरत नहीं है. अगर बंटू को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे. क्या हम बंटू की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं? ओ मेरे चाचा चौधरी, ये सब उसके भागने के पहले सोचना चाहिए था. प्रोफेसर बहुत स्मार्ट है, उसने ट्रेसिंग वाले एंगल के बारे में पहले ही सोच लिया होगा. मिस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ट्रस्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. बंटू ने डिस्ट्रोनियम की लोकेशन को ट्रैक कर लिया था. अगर प्रोफेसर ने बंटू को किडनैप किया है तो हम प्रोफेसर की लास्ट लोकेशन से बंटू तक पहुंच सकते हैं. अगर वो बंटू की ट्रैकिंग लोकेशन बंद कर सकता है तो खुद की भी कर सकता है. लगता है अपनी सेल्फी के साथ साथ अपनी कॉमन सेंस भी अपलोड कराया सोशल मीडिया पे. ओ तो मुझे यहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है. मुझे स्टॉक करना बंद करो. ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही हुआ है. इसलिए जो एटीट्यूड है ना अभी तुम पर सूट नहीं कर रहा है. लापरवाही के ब्रांड एम्बेसडर के मुंह से ऐसी ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती. आपके भी मुंह में कुछ होगा, बोलिए. आप प्लीज मैम कभी परेशान मत कीजिए. प्रोफेसर ने ऑलरेडी अर्जुन भैया का नाम ले लेकर उन्हें बहुत टॉर्चर किया है. एसीपी का तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना. अर्जुन गुरुदेव यहाँ आना व्यर्थ हो गया. ना ही नाश पदार्थ मिला ना कोई सुराग. डिस्ट्रोनियम बाबू भैया, ये पूरा डिस्ट्रोनियम का मामला है, हम सब जानते हैं. जी गुरुदेव. सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जो तुम ढूंढ रही हो ना वो यहाँ नहीं. दरअसल तुमने मेरी बात सुनी नहीं, वरना मैं तुम्हें बातों बातों में ये बता देता कि जो प्रोफेसर है ना वो यहाँ से चला गया है वो चीज लेकर, और उसका जो पता है ना उसने चिट पे लिखा है और हमारे पीछे वाले पॉकेट के अंदर डाल के चला गया. तो अगर तुम जानना चाहती हो कि प्रोफेसर है कहाँ तो मुझे खोलो और उसका पता ले लो. बंटो बच्ची वीर वीर, अरे बंटो कहाँ चली गई? अभी तो मजा आने वाला था. तो ठीक है. हाँ बच्ची बस ब्लैक कॉफी का वेट कर रहा हूँ. खोलना यार खोल. अरे मेरे आने के पहले किससे बात कर रहा था? अरे हाँ यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पर ना एक हॉट डेंजर वुमन थी. मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ डिस्ट्रोनियम ढूंढने आई थी. कहाँ हो? वो यहीं कहीं छुपी है. मैं देख के आता हूँ. Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.